हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो ट्रेडर्स। आज हमने ग्लेनमार्क को ट्रेड किया था, कल बीपीसीएल को ट्रेड किया था, पूरा दिन एक साइडवेज मोमेंटम हम लोगों ने देखा। ग्लेनमार्क ने आज हमको पूरा का पूरा टारगेट दिया। हम लोग अपनी पोजीशन बुक देखेंगे यहाँ से। सो टोटल जो क्वांटिटीज़ थी हमारी 1600 क्वांटिटीज़ के साथ हमने 521 रुपये पर अपनी एंट्री बनाई थी एंड स्टॉप लॉसेस हमने जो लगाए थे इसके अंदर 522 रुपये 25 पैसे के अपने स्टॉप लॉसेस लगाए थे। एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। सो टोटल परफेक्ट, ठीक है। एंड ऑर्डर हमने जितने भी बुक किए सारे के सारे ब्रोकर निकाल जाने का वेट किया कि ब्रोकर हमको निकालेगा। सो एटलीस्ट हमको मार्केट ने जो प्राइस दिया वो 514 रुपये 30 पैसे का प्राइस था। एक ठीक ठाक प्रॉफिट हमको आज के दिन देखने को मिला। पोजीशन बुक एक बार देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग अपनी। ओके 10,700 रुपीज़ का प्रॉफिट है। इंट्राडे ट्रेड के अकॉर्डिंग एक डिसेंट प्रॉफिट और एक हैंडसम प्रॉफिट हमें देखने को मिला। सो ट्रेडिंग सेटअप आज का बहुत अच्छा था और एक ईजी सेटअप था। आगे चल करके हम आज का ग्लेनमार्क को और कल का एक शॉर्ट वीडियो क्लिप हमने आपको बना करके शेयर की थी बीपीसीएल के ऊपर। सो उसको इन दोनों स्टॉक्स को आज के दिन ट्रेड करेंगे और ट्रेडिंग सेटअप को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ओके सो आइए और अभी सीधे चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम लोग। बहुत इत्मीनान से और कंसंट्रेट हो करके पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। ग्लेनमार्क में जितनी भी मार्किंग्स हैं सभी मार्किंग्स को हटाएंगे और डिस्कशन करेंगे सीधे कि ग्लेनमार्क को आज के दिन हमने ट्रेड करने के लिए डिसाइड ही क्यों किया। एक्चुअली ग्लेनमार्क को हम पिछले 2 या 3 दिन से लगातार वॉच कर रहे थे, रेंज पर आ जाने का हम वेट कर रहे थे। अभी जब आप ग्लेनमार्क को देखोगे इसके अंदर ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक कैंडल आप देखिएगा, सिर्फ एक कैंडल पर फोकस कीजिएगा और वो है 3rd of November की कैंडल। हमने क्या किया कि 3rd of November की कैंडल के हाई को एक रेजिस्टेंस माना आज के दिन। मार्केट ने क्या किया था कि 8th of November को देखिए प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ क्लोज हुआ था। यहाँ पर अप साइड की तरफ क्लोजिंग दे देने के बाद से ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ कि प्राइस ने जिस एक रेंज के बाहर अपनी क्लोजिंग दी थी, नेक्स्ट डे प्राइस अपनी उसी रेंज के अंदर री एंटर कर जाता है। री एंटर करने वाली ये जो कैंडल थी हमारी 9th की कैंडल, कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ कि हमारी इस वाली कैंडल का 9th November की कैंडल को 10th November की कैंडल ने ब्रेक कर दिया डाउन साइड की तरफ। फिर से इसको बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम अपनी इस वाली कैंडल को एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं बिकॉज इसका अपना एक सिग्निफिकेशन है जिस वजह से हम अपनी इस कैंडल को एक रेजिस्टेंस कैंडल मान रहे हैं। अब यहाँ से प्राइस आपका अपसाइड की तरफ निकलता है। अब अगर प्राइस हमारा बुलिश है तो इसको क्या करना चाहिए, यहीं से ये अपसाइड की तरफ चला जाता। प्राइस हमारा गया भी और इस कैंडल का हाई ब्रेक किया बट वापस से देखिए रिजेक्शन मिला और प्राइस उसी रेंज के अंदर आकर के क्लोज हो गया, यानी कि इस ब्लैक वाली कैंडल के अंदर 3rd of November की कैंडल की रेंज के अंदर ही आकर के हमारा प्राइस वापस से क्लोज हो गया। अब अगर मार्केट को जिस तरह से हम देख रहे थे 3rd of November की कैंडल के हाई को देखिए इसने ब्रेक किया, अब अगर प्राइस को बुलिश होना है तो 8th of November की कैंडल के हाई को ब्रेक करके ये अपसाइड की तरफ चला जाता बट वापस प्राइस डाउन साइड की तरफ आ गया। अब अगर इसको डाउन साइड की तरफ गिरना है तो देखिए इसने क्या किया, कल का जो ट्रेडिंग सेशन था उस सेशन में 9th of November की कैंडल का लो ब्रेक कर दिया जाता है। अब हमको क्या दिख रहा है कि 3rd of November की कैंडल के रेंज के अंदर प्राइस आपका एंटर हो चुका है और इसके अंदर अगर हमको मिलता है मौका तो हम सेल साइड की तरफ अपनी एक एंट्री ढूंढ सकते हैं। अब क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन ने परसों के ट्रेडिंग सेशन का लो ब्रेक कर दिया था, आज भी उम्मीद थी कि जिस तरह से लोज डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, ये लोज हमारे डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं पिछले 2 दिन से। देखिए परसों का लो ये था, कल का लो ये था, हाई हमारा एक दिन पहले का हाई ये था और कल का हाई ये वाला था। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि प्राइस जब से अपनी रेंज के बाहर निकला इसने अपने हाइस को डाउन साइड की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया और लोज को भी डाउन साइड की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो जिस तरह से 2 दिन से प्राइस अपने लोज को ब्रेक कर रहा है, प्राइस अपने लोस को ब्रेक कर रहा है, वैसी चांस है कि ये आज भी ब्रेक कर सकता है। हमने क्या देखा, ग्लेनमार्क को ट्रेड करने से पहले फार्मा सेक्टर को देखा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि फार्मा सेक्टर हमारा बुलिश है। तो जब हम फार्मा सेक्टर को देख रहे हैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक अपना सिप्ला आज के दिन क्या कर रहा है। तो सिप्ला देखिए क्या किया है कि मॉर्निंग में ही एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ डाउन साइड की तरफ गिर गया और अभी हम देखते हैं निफ्टी फार्मा को। सो निफ्टी फार्मा ने मॉर्निंग में हमें क्या शो किया था, फार्मा। ओके देखिए इस रेंज का ब्रेकआउट प्राइस ने मॉर्निंग में किया, यहाँ से देखिए प्राइस आपका डाउन साइड की तरफ गिरता है, एक हाई लगता है और ये हाई प्रोटेक्टेड है, प्राइस वापस से देखिए डाउन साइड की तरफ आ जाता है और ये जो रेंजेस हमने ड्रॉ करके रखी हैं 13818 13765 ये रेंज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बन जाती है जिसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, अपने स्टॉक को ट्रेड करने में।
ओके सो ये सारे के सारे मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स के थ्रू हम अपनी ये रेंजेस निकालते हैं स्टॉक्स के ऊपर या फिर सेक्टर्स के ऊपर। बाय द वे ये हमारे लिए आप इतना समझ सकते हैं कि एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लाइन का काम हमारे लिए ये रेंजेस करती हैं। हमने देखा कि प्राइस मॉर्निंग से ही अपने लोज ब्रेक कर रहा है, इसके अंदर कहीं से भी कोई बुलिशनेस हमको दिखाई नहीं दे रही, प्राइस कहीं से भी बुलिश नज़र नहीं आ रहा है। ग्लेनमार्क को हमें ट्रेड करना था डाउन साइड की तरफ। सो 5 मिनट्स में हम आए और देखा कि ग्लेनमार्क क्या कर रहा है। देखिए ग्लेनमार्क ने मॉर्निंग में ही एक बहुत बड़ा मूव हमको डाउन साइड की तरफ दिखाया विथ वॉल्यूम, क्योंकि रेंज इंपॉर्टेंट थी। अपनी रेंज को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करना, हमने पहले ही बताया कि कोई भी रेंज अगर इंपॉर्टेंट होती है तो उसको ब्रेक करने के लिए वॉल्यूम्स की हमेशा से जरूरत पड़ती है। वॉल्यूम डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट करती है अपने प्राइस को और 915 की कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है कि फार्मा सेक्टर ने अपने लोज ब्रेक किए, 915 का लो ब्रेक हुआ। यहाँ पर देखिए 915 का लो हमारा ये वाला ब्रेक हुआ था, वैसे ही हमारा ग्लेनमार्क का भी लो ब्रेक हो गया। प्राइस ने एक भी बार निफ्टी फार्मा ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया था और ग्लेनमार्क ने भी आज पूरे दिन अपना रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया। हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग की ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने डाउन साइड की तरफ मूवमेंट हमको शो किया है। अब वेट करना था हमको एक रिट्रेसमेंट का, क्योंकि ये वाली रेंज ही हमारी एक इंपॉर्टेंट रेंज है, 521.60 की रेंज, हायर टाइम फ्रेम पर जो हम लोगों ने मार्क कर रखी ऑलरेडी। इस वजह से हमने क्या किया, इसके अंदर जो हमको एंट्री मिली थी मॉर्निंग में, वो 521 रुपए पर कन्फर्मेशंस मिली लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कि हम 521 रुपए पर अपनी एक एंट्री ले सकते हैं। बिकॉज देखिए प्राइस आपका अप साइड की तरफ कोई भी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। यहां से एक लो लगा देने के बाद जब प्राइस आपका हाईस लगाने लग गया, तो ये वाली जो कैंडल थी हमारी 920 की कैंडल, ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल बन गई। ओके इन्हीं के रिट्रेसमेंट पर हमने अपनी एक एंट्री ली। स्टॉप लॉसेस के लिए जो हमको जगह समझ में आई वो ये वाली जो कैंडल थी 1 एंड 2। ओके कल की 3:15 की कैंडल हमने क्या किया कि जस्ट इसका थोड़ा सा बफर देकर के अपना स्टॉप लॉस लगाया और एग्जैक्ट स्टॉप लॉस जो हमारा आया था 522.25 का मेरा स्टॉप लॉस आया था विद बफर। तो बफरिंग के बाद 522.25, बफरिंग के बाद हमारी जो रेंज बनी वो ये वाली रेंज बनी। एग्जैक्ट इस रेंज को हमने अपना स्टॉप लॉस कंसीडर किया थोड़ा सा बफर दे देने के बाद में, मतलब एग्जैक्ट हमारा जो स्टॉप लॉस आ रहा था वो 3:15 की कैंडल का हाई, कल की कैंडल ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल थी। इस वजह से हमने क्या किया कि थोड़ा सा बफर दे और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया। अगर हम इस कैंडल के हाई पर भी अपना स्टॉप लॉस लगाते तो देखिए स्टॉप लॉस सेफ तो था, लेकिन हम थोड़ा सा और सेफ साइड चल रहे थे, जिस वजह से हमने थोड़ा सा बफर देकर के अपना स्टॉप लॉस 522.25 पर लगभग यहाँ पर लगाया। अब बात आती है टारगेट्स की, तो टारगेट्स के लिए देखिए क्या किया था हमने, ये 514 रुपये की रेंज है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब हायर टाइम फ्रेम पर आप एक कैंडल देखिए, बेसिक कैंडल है, बिल्कुल बेसिक कैंडल है कि जिस रेंज से प्राइस हमने जिस कैंडल के हाई को एक रेजिस्टेंस माना था, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गई थी। अब ये जो डाउन साइड की रेंज थी, क्योंकि मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर के अपसाइड की तरफ गई है, अब अगर डाउन साइड की तरफ आना है तो प्राइस यहीं तक आ सकता है। एग्जैक्ट 514 रुपये की जो रेंज थी ये हमारा टारगेट बन सकता था, बट लाइव मार्केट में हमने क्या किया कि ब्रोकर के निकालने का वेट किया कि ब्रोकर हमें जो भी प्राइस देगा हम उस पर निकलेंगे, तो ब्रोकर के हाथ में हमने छोड़ दिया, क्योंकि मूवमेंट की उम्मीद हमको और भी ज़्यादा थी कि एक दो स्पाइक अगर आती हैं तो और अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ से पूरे दिन देखिए ग्लेनमार्क एक साइडवेज मोमेंटम ही शो करता रहा है। यहाँ से यही एक बड़ी वजह थी कि प्राइस ने ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छा मूवमेंट हमको शो हो सकता था, इसी लालच में हम बैठे रहे। फिलहाल प्राइस ने कोई मूवमेंट हमको एक अच्छा मूवमेंट नहीं दिया जिसकी उम्मीद थी, और जिस वजह से हमने ब्रोकर के निकालने का वेट किया, तो ब्रोकर से हमको जो प्राइस मिला वो 514.30 का प्राइस था। सो एग्जैक्ट 514.30 पर हम इसको मार्क कर देते हैं। ओके यहाँ पर हम बाहर निकल गए। ये होता है ना कि प्राइस अपनी किसी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, अब अगर ब्रेकआउट होगा तो कम से कम 1% या 0.50% या 0.7% की कैंडल एक बनती है। ग्लेनमार्क ने ऐसा कुछ नहीं किया। सो ओवरऑल यहीं पर हमने अपनी सारी की सारी पोजीशंस अपने स्क्वायर ऑफ कर दी थी। एंड कल का जो ट्रेड था, ओके बीपीसीएल, जैसे हाँ कल हमने जो अपनी एंट्रीज के अंदर ली थी 432.10 पर ली थी, स्टॉप लॉस 433.10 के थे और टारगेट्स जो हमारे इसके अंदर लगे थे 423.60 के टारगेट्स थे। उम्मीद थी कि प्राइस हमारा डाउन साइड की तरफ गिरेगा, क्योंकि इसीलिए हमने कल का शॉर्ट साइड का ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया था, बट कोई मूवमेंट हमको मार्केट ने नहीं देखा है। और आज देखिए मार्केट जैसे ही खुली है, मॉर्निंग में ही हमको हमारे टारगेट कुछ ही कैंडल्स में मिल गए।
बीपीसीएल का हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था कल, इसको हम आज डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। मेन पॉइंट आता है कि अपनी स्टडी, ये देखने में अच्छा लगता है कि चलिए ठीक है, प्रॉफिट लॉस ये सब चलता रहता है, मार्केट साइडवेज हो जाना, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना, प्रॉफिट आपका टारगेट बड़ा था छोटा टारगेट मिलना, ये सब चलता रहता है। मेन चीज़ क्या होती है, आपकी स्टडी। हमें मॉर्निंग में बीपीसीएल का मूव देख करके बहुत अच्छा लगा था, जबकि इसके अंदर कोई एंट्री हमारी नहीं थी, एंट्री हमने वन डे बिफोर इसके अंदर बनाई थी, मतलब कल एंट्री बनाई थी। अच्छा ये लगता है देख करके कि जो हमारी स्टडी थी वो स्टडी सही थी कि नहीं। हालांकि प्राइस अपना साइडवेज रह गया था, स्टॉक अपना पूरा साइडवेज रह गया था, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला था हमको। 432.10 रुपये पर ही हमने एंट्री भी ली थी और 432.10 रुपये पर ही हम निकल भी गए थे। कल एक शॉर्ट वीडियो हमने अपलोड किया था, आप लोग उसको देख सकते हैं वहाँ पर। सो जो स्टडी हमारी थी हायर टाइम फ्रेम में लोअर टाइम फ्रेम को लेकर के, वो पूरी तरह से सही हुई, मार्केट ने उसको सही साबित किया। हम मान सकते हैं कि बीपीसीएल का ट्रेड भी हमारा जो कल ने एग्जीक्यूट किया वो एक परफेक्ट ट्रेड था, बट कोई एंट्री नहीं थी। एंड आज का जो हमारा ट्रेड था ये ग्लेनमार्क का ट्रेड था, जो कि एक सफिशियंट ट्रेड था हमारा, और ओवरऑल देखा जाए तो एक प्रॉफिटेबल डे हमारे लिए ये रहा। जितना भी हो सके शुरुआत में अर्निंग से थोड़ा सा अपना फोकस हटा करके कुछ समय लर्निंग के ऊपर अपना इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ समय लर्निंग को दीजिए, सीखिए, समझिए, प्राइस एक्शंस को रीड करने की कोशिश कीजिए, कैंडल्स जब बनती हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश कीजिए, कुछ मेथड्स होते हैं प्राइस को ट्रेड करने के, उन मेथड्स को सीखने की कोशिश कीजिए। ओके, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, कुछ अगर आपको प्रॉब्लम होती है स्टॉक सेलेक्ट करने में, उनके लेवल्स निकालने में, तो जैसे आज हमने मॉर्निंग में ICICI बैंक को ट्रेड करने के लिए दिया था, सो उसका एक लेवल था ICICI बैंक का एक सपोर्ट लेवल हमने आपको मार्क करके दिया था, जिस सपोर्ट के नीचे ये वाला देखिए एग्जैक्ट ये वाली रेंज थी जो कि मॉर्निंग में हमने आपको मार्क करके दे दी थी लगभग 9:50 पर ही। प्राइस देखिए उस रेंज को ब्रेक कर देने के बाद में कितना अच्छा इसने मूव दिखाया आपको डाउन साइड की तरफ। सो इस तरह से अपने ग्रुप में हम स्टॉक्स जो कि इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होते हैं उनके लेवल्स वगैरह होते हैं ये फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी हम शेयर कर देते हैं, और कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनको अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करते हैं। ओके, सो थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अब हम लोग मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर कोई अच्छा सा स्टॉक मिलेगा तो हम उसको ट्रेड करेंगे। सो थैंक यू एंड वी विल मीट अगेन।